हाँ कोयल गाए सावन घिर के आए। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर भैया। नोबल आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा गांव शमशाबाद आगरा 2017-18 सत्र में 10th क्लास के 100% रिजल्ट के साथ फतेहाबाद तहसील का पहला CBSE एफिलेटेड 10+2 स्कूल, जहां आपके हुनरों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर दिया जाता है जो प्ले ग्रुप से 12th क्लास तक सभी क्लासरूम की सुविधा, जहां CCTV कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटो अलार्म सिस्टम, SMS एंड कॉल फैसिलिटीज के साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व KG क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, म्यूजिक क्लासरूम, शूटिंग रेंज व पार्किंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे मैदान के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए GPS सिस्टम के साथ ही बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही, चले आइए ग्लोबल आगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा गांव शमशाबाद आगरा। मोबाइल नंबर 8868046912 और 9953096007। समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां CCTV कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही, चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252। आज़ादी के 72 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न का माहौल है। लोग बाइक रैलियों के माध्यम से, मानव श्रृंखला के माध्यम से या फिर रक्तदान शिविर लगाकर देश के प्रति अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल व संकल्प संस्था के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल परिसर में ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में महिला व पुरुषों ने पहुंचकर रक्तदान किया और लोगों को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक रक्तदान करने की बात कही, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु खून की कमी से ना हो। सर, मेरा नाम अनुपमा बसीर, भारतीय बाल विद्या भवन से। आज हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह ध्वजारोहण किया गया और इस विद्यालय के संस्थापक श्री पुष्पा शर्मा जी ने राष्ट्र ध्वज का राजोर करके और बच्चों को उसकी आज के बारे में बहुत कुछ बताया। स्कूल में शिविर कैंप का भी, रक्तदान शिविर का किस तरीके का? हाँ सर, आज हमारे विद्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे कि हम विद्यालय के, हमारे विद्यालय के सारे शिक्षकगण, विद्यार्थी और आसपास के लोग आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उनको रक्तदान के बारे में बताया गया कि रक्तदान एक महादान, जिससे कि इससे जनजाति का बहुत ही हम आसानी से उनका भला कर सकते हैं। देखा स्कूल की डायरेक्टर जो मैम है, उन्होंने भी रक्तदान किया, महिलाओं को क्या कहना चाहिए? इसी अनुपमा, उन्हें अनुपमा वशिष्ठ ने भी रक्तदान किया और उन्होंने भी ये सारे स्टाफ को समझाया कि रक्तदान करने से हमारी शरीर का कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि कोई भी पोषक तत्व वहाँ से जाता हो और हमारी जो बॉडी है उसमें रक्त का संचालन सुचारू रूप से। 3 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है हमारा, और आज हम लोग के स्कूल में एक कैंप लगाया गया जिसमें कि सभी स्टूडेंट डोनेट कर रहे हैं और ये डोनेट हम सभी को करना चाहिए, जिससे कि जो नीडेड पर्सन है उनको वहाँ तक ब्लड पहुँच सके। और लोग डरते हैं इससे, वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लड देने से,
बल्कि हमारे अंदर और भी जो हमारे ब्लड टेस्ट हो जाता है, प्लस हम लोग को और लोगों के साथ हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम सभी लोगों को मिलकर ये अच्छा काम करना चाहिए। लेडीज अक्सर देखा गया है थोड़ा सा पीछे हटते हैं इस तरह से, ये उनके अपना सोचे कि ब्लड देने से शायद उनके अंदर वीकनेस आ जाएगी या कोई अदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मेरा ये मानना है ये सिर्फ उनके अंदर एक छोटा सा डर है, अगर वो निकाल देंगे इस डर को तो ईजिली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और आज अच्छा लग रहा है, गणतंत्र सॉरी इंडिपेंडेंस डे है, तो मैं सभी देशवासियों को विश करना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को हम ब्लड दे सकते हैं। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अधिक से अधिक इस तरह की मुहिम में भाग लें? मैं सभी लोगों को आग्रह करना चाहूँगी वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसमें ज्वाइन करें वो ब्लड दें, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि आजकल ब्लड के बहुत प्रॉब्लम होते हैं और पॉजिटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव ये आसानी से मिलते नहीं है। अगर टाइम से किसी मरीज को ब्लड मिल सकेगा तो अच्छा। क्या कहना चाहिए भारतीय बाल विद्या और स्कूल में इस तरह का आयोजन हुआ, उनके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत 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 ही अच्छा उनका विचार है कि ये लोग ये रख रहे हैं, इस तरह का कैंप लगा रहे हैं, और मैं तो चाहूँगा कि वीकली मंथली ये कैंप लगना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और तो वही कार्यक्रम में संकल्प संस्था से जुड़े लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक किया और बताया कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, ये एकदम सेफ है। तो वही भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल के संरक्षक पुष्पाल शर्मा भी मौजूद रहे और कार्यक्रम की सराहना की। मैं पुष्पाल शर्मा धनुपुरा आगरा से भारतीय बाल विद्या भवन के संस्थापक, आज दिनांक 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रक्तदान के इस अवसर पर क्षेत्रीय काफ़ी युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसमें हमारे क्षेत्र की कुछ नवयुवतियाँ और महिलाएँ भी अग्रणी रहीं जिन्होंने रक्तदान के कार्यक्रम में सराहनीय सहयोग किया है। रक्तदान एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे इस क्षेत्र की हमारे समाज की जो मरीज हैं कई तरह की इस तरह की परेशानियां कभी आकस्मिक रूप से खड़ी हो जाती हैं कि विभिन्न प्रकार के रक्त उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे मरीजों को जान डालने के लिए उनके जीवन को बचाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्षेत्रीय युवाओं ने महिलाओं ने युवकों ने काफ़ी भाग लिया है और रक्तदान दे करके हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, हम उनके बहुत आभारी हैं और हम इस क्षेत्र की महिलाओं को युवतियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस रक्तदान के कार्यक्रम में भाग ले करके हमारा सहयोग दिया। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संकल्प सेवा संस्था का प्राण रक्षा अभियान के अंतर्गत आज भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। संकल्प सेवा संस्था आगरा में उन लोगों को जिनका कोई नहीं होता है, जिनको रक्त की आवश्यकता होती है, लगातार रक्त की आपूर्ति करती है, उसी के अंतर्गत आज ये रक्तदान शिविर राष्ट्र के शहीदों को नमन करने। आपको बता दें कि स्कूल व संकल्प संस्था के संयुक्त तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कम समय में ही दर्जनों की मात्रा में यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। तो वहीं सुबह स्कूल के समस्त स्कूल स्टाफ व बच्चों की उपस्थिति में स्कूल संरक्षक पुष्पाल शर्मा के हाथों द्वारा ध्वजारोहण कराया गया, जिसके बाद सभी को लड्डू खिलाकर 72वीं वर्षगांठ की बधाई दी और प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। अर्थ न्यूज के लिए अधराज सिंह की रिपोर्ट। घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं कोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया बाईपास रोड आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।